हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये दो टोकरी की सहायता से एक गमला बनाऊंगा। इस टोकरी के ऊपर मैंने पीछे की ओर टेप लगा ली है दोस्तों। ये हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसके अंदर हम तेल लगा लेंगे। हमने समंदर की ओर तेल लगा लिया है। तीन भाग कंस्ट्रक्शन सैंड ले लेंगे और एक भाग हम इसमें सीमेंट की ले लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। आप जितनी बड़ी टोकरी बना रहे हैं अपने हिसाब से आप अपना मिश्रण ले लें। इसमें पानी डाल करके हम गीला कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये बहने लगेगा। तो दोस्तों ये मैंने इतना गीला कर लिया है दोस्तों। अब हम किसी प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ी सी सीमेंट ले लेंगे और इसमें पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे। दोस्तों हमने इस तरह का ये घोल बना लिया है। अब इस घोल को हम इस टोकरी में नीचे की ओर डाल देंगे और इसको चारों तरफ हम फैला देंगे। मैंने ये इस तरह का घोल लगा लिया है इसमें चारों तरफ दोस्तों। इस घोल के ऊपर हम थोड़ी सी सूखी सीमेंट, ऑर्डिनरी सीमेंट ये हम छिड़क देंगे। मैंने इसके ऊपर सूखी सीमेंट लगा ली है दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा ये बच गया है तो हम इसमें पानी डाल करके इसमें मिला लेंगे और नीचे की ओर थोड़ा सा हम पतला पतला तले में डाल देंगे। और दोस्तों इसको हिला करके हम नीचे तले में बिठा देंगे। इसको मैंने नीचे की ओर इस तरह से बिठा दिया है। अब हम इसके किनारों पर इस तरह से लगा लेंगे। और इसके किनारों पर हम धीरे धीरे चारों तरफ इस तरह से चढ़ा लेंगे सीमेंट। अंदर की एक्स्ट्रा सीमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर की ओर चमचे से इसको एक साथ कर देंगे। अब हम इसके किनारों को हाथ लगा करके इस तरह से चारों तरफ से बना एक्स्ट्रा किनारी को चाकू की सहायता से हम काट लेंगे। इसके किनारों को एक सा करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको एक सा कर देंगे।
उसके नीचे की ओर हम एक ड्रेनेज होल बना देते हैं। और अब इसे 24 घंटे के लिए छाया में सूखने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी टोकरी में भी ये आधे पोर्शन में ये सीमेंट लगा ली है। तो 24 घंटे का समय हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर से पॉलिथीन छुटा दी है। और हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से निकल गया है। काफी अच्छी डिजाइन आ गई है। टोकरी की सेम डिजाइन इसके ऊपर आ गई है। इसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे। दोस्तों ये मैंने स्टैंड बनाया है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह से इसको बनाता हूँ। आप वहाँ से देख करके इसे बना सकते हैं घर पर आसानी से। दोस्तों इसमें मैंने नीचे की ओर इस तरह से स्टैंड लगा दिया है।